हेलो एवरीवन, दिव्या सुपर किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं शक्कर पारा बनाऊंगी। शक्कर पारा को आप आटे से भी बना सकते हैं और मैदे से भी बना सकते हैं। इसे आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप मैदे में चीनी मिला के इसे बना सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि आप शक्कर पारा बना लें और फिर ऊपर से शुगर को कोट करके बना सकते हैं। आज मैं शुगर को कोट करके बनाऊंगी। इसे बनाना भी आसान है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ ये जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, क्योंकि मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। शक्कर पारा बनाने के लिए मैंने एक बड़े बाउल में 2 कप मैदा ले लिया है, और उसमें मैं ये 1/2 कप घी डाल रही हूँ, देसी घी। आप चाहो तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है घी को। अब ये घी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हुआ है कि नहीं, इसलिए ऐसे उठा के देख लेंगे। अगर ये लड्डू जैसा ऐसे बनने लग जाएगा, मतलब घी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक हार्ड डो बना के रख लेंगे। तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डालें, नहीं तो ये मिक्सचर गीला हो सकता है। तो अभी मैंने इसका एक हार्ड डो बना के रख लिया है। अब इसको 15-20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो अभी 15-20 मिनट हो गए हैं और आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब मैं इसको एक बार और अच्छी तरह से ऐसे मिला लेती हूँ। तो अभी मैंने अच्छी तरह से इसको मिला लिया है, और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और उसके बाद इसको ऐसे गोल गोल करेंगे। तो अभी मैंने इसका गोल गोल बना के रख लिया है, और इसको अभी बेल लेंगे। इसको बहुत पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा इसको मोटा ही बेलेंगे। आप चाहो तो इसमें सूखा आटा लगा के भी बेल सकते हो। मैं ऐसे बेल रही हूँ। तो देखिए, मैंने इसको बेल लिया है, और इसको मैंने थोड़ा सा मोटा ही रखा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है। अब इसको काट लेंगे। आप चाहो तो इसको डायमंड शेप में भी काट सकते हो, स्क्वायर शेप में भी काट सकते हो। आपको जैसा पसंद हो आप वैसा काट सकते हो। और उसको 1/2 इंच के ऐसे गैप में इसको काटेंगे। आपको जो शेप पसंद हो वैसे आप काट सकते हो। मैंने ऐसे काट लिया है। अब इसको इस साइड से ऐसे स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर शेप में काट रही हूँ मैं। आप इसको टेढ़ा टेढ़ा डायमंड शेप में भी काट सकते हो। मैंने सारे को काट लिया है। अब इसको ऐसे एक एक करके ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे ऐसे निकाल के सारे रख लेंगे, और फिर इसको फ्राई करेंगे। तो अभी इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, और इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। आप चाहो तो इसकी जगह घी में भी फ्राई कर सकते हो। और ये तेल अभी गर्म हो गया है। इसको बहुत ज़्यादा तेल को एक बार गर्म करेंगे, फिर गैस को स्लो कर देंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे इसको। अभी मैंने गैस को मीडियम कर दिया है, और इसको ऐसे पलट लेंगे। इसको थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे हिलाते रहेंगे और इसको पलटते रहेंगे, और जब ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा फिर इसको निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर पे। तो देखिए, मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। अब ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसका ऐसा कलर रहेगा। अब मैं इसको निकाल के एक टिश्यू पेपर पर रख लेती हूँ। तो अभी मैं फिर से शक्कर पारे को डाल देती हूँ। तो अभी इसको भी पलट देंगे, और सेम वैसे ही प्रोसेस से इसको भी फ्राई कर लेंगे। एक बार में इसको फ्राई करने में 10-12 मिनट का टाइम लग जाता है। ये भी अब गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। इसको भी ऐसे ही रखते जाएंगे। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे।
तो अभी इसकी चाशनी बना के रख लेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई रख दी है गैस पे, और ये मैं 2 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। 2 कटोरी मैंने चीनी लिया है और 1/2 कप मैंने ये पानी लिया है। तो अभी मैंने इसमें 2 कटोरी चीनी डाल दी है और 1/2 कटोरी पानी डाल दिया है। अब इसको हिलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम मैंने तेज ही रखा है और हिलाते हुए इसकी चाशनी बना लेंगे। इसकी एक गाढ़ी सी चाशनी बनाएंगे, एक तार की चाशनी बनाएंगे। तो अभी ये चाशनी बनके तैयार है। देखिए इतनी गाढ़ी चाशनी होनी चाहिए। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अब मैं ये पारे को डाल देती हूँ इसमें। सारे पारे को डाल के अच्छी तरह से कोट कर लेंगे इस पर। इसको बहुत सारे लोग खुरमा भी बोलते हैं, कोई खुरमा बोलता है, कोई शक्करपारा बोलता है। अब इसको अच्छी तरह से इसमें कोट कर लेंगे जब तक ये अच्छी तरह से सूख ना जाए। तो अभी मैंने अच्छी तरह से पारे को ये शक्कर में कोट कर लिया है। जैसे जैसे ये सूखता जाएगा, ठंडा होता जाएगा, वैसे वैसे ऐसा हो जाएगा कि पूरी तरह से ड्राई हो गया है। मैंने इसमें 2 कप चीनी डाला है। आप चाहो तो अगर कम चीनी खाना चाहते हो तो आप कम चीनी भी डाल सकते हो, आप 1 कप चीनी का भी बना सकते हो। अब ये शक्करपारा बनके तैयार है, अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। तो देखिए ये शक्करपारे बनके तैयार है, मैंने इसे सर्व कर दिया है। ये शक्करपारे बहुत ही खस्ता और स्वादिष्ट होते हैं। आप मेरे स्टाइल से बनाइए, खाइए और अपने कमेंट करके मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।